गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा। मैं हूँ शर्मिष्ठा। क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है तो फेस्टिव सीजन में हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, बहुत घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और सब कुछ करते हैं, बट स्किन केयर को भूल जाते हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है कि हम DIY करें और ये करें, ये पैक लगाए। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक सिंपल 5 मिनट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये वाला स्किन केयर रूटीन हर एक स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, पर स्पेशली अगर आपका स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव है तो आपके स्किन के लिए ये वाला स्किन केयर रूटीन परफेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्किन केयर का वो है फेस क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए हमें चाहिए एक माइल्ड क्लींजर जो हमारे फेस से सारे डर्ट, मेकअप, पॉल्यूशन को एकदम हटा दे। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ ये वाला सेटिफिल का जेंटल स्किन क्लींजर फॉर फेस एंड बॉडी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव है और अभी थोड़ी सी ज्यादा ड्राई हो चुकी है। तो इसीलिए ये वाला क्लींजर मेरे लिए परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा क्लींजर अपने वेट फेस में अप्लाई करती हूँ और जेंटली सर्कुलर मोशन में इसे रब करती हूँ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए और फिर पानी से धो लेती हूँ। अगर आप पानी से धोना नहीं चाहते हो तो आप इस क्लींजर को एज ए मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट इस क्लींजर को अपने फुल फेस में अप्लाई कीजिए और एक टिश्यू से या कॉटन क्लॉथ से अपने फुल फेस को रब कर लीजिए और आपका फेस हो जाएगा क्लीन एंड क्लियर। सेटाफिल का जो ये क्लींजर है ये फोमिंग क्लींजर नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका स्किन फुल्ली क्लीन नहीं हुआ है और थोड़ा थोड़ा डर्ट या फिर मेकअप अभी भी बाकी है तो उसके बाद मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये है हिमालया का नीम फोमिंग फेस वॉश। फोमिंग फेस वॉश है जिसकी वजह से ये आपके स्किन में जो एक्सेस डर्ट रहेगा इसको यूज़ करने के बाद भी उसको एकदम जड़ से हटा देगा और आपकी स्किन को एकदम पोर्स के अंदर से क्लीन कर देगा, जिसके बाद आपका स्किन एकदम रेडी हो जाएगा टोनर और मॉइस्चराइजर के लिए। सेकेंड स्टेप जो है ये एक DIY है और इस DIY में हम बनाएंगे ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी टोनर हमारे स्किन से पिंपल को हटाएगा। इतना मेकअप यूज करने के बाद हमारा स्किन जो है वो थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है ना और छोटे छोटे बम्प्स निकल आते हैं, उससे भी हमारे स्किन को ये कम डाउन करेगा और हमारे स्किन को एक एंटी बैक्टीरियल और रिफ्रेशिंग फील भी देगा। तो इस ग्रीन टी टोनर को बनाना बहुत ही सिंपल है। जस्ट पानी गर्म कीजिए, उसमें एक ग्रीन टी का सैशे डालिए और 2 मिनट के लिए वेट कीजिए ताकि जो ग्रीन टी का बेनिफिट है वो सारा इस पानी में आ जाए। 2 मिनट बाद मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी इस ग्रीन टी के सैशे को, फिर मैं इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये टोनर ठंडा हो जाए। जब ये टोनर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे और ये हमारा ग्रीन टी टोनर रेडी है। इस ग्रीन टी टोनर को आप हमेशा फेस वॉश करने के बाद दिन में 2 बार यूज कीजिए, क्योंकि हम 2 बार अपने फेस वॉश को यूज करते हैं। तो हर बार अपने क्लीन फेस में से स्प्रे करके अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा अपने फिंगर टिप के हेल्प से इसको अपने स्किन के अंदर पुश कीजिए ताकि इसके बेनिफिट आपके स्किन के अंदर आ जाए। इस टोनर को अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 40 सेकेंड्स वेट कीजिए ताकि ये टोनर आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। और उसके बाद बारी आती है हमारे मॉइस्चराइजर की। ये जो मॉइस्चराइजर है ये है सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिव ऑयली और ड्राई स्किन हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत हाइड्रेटिंग है और आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है तो आप एकदम पी साइज अमाउंट ऑफ इस क्रीम को अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रीम अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। और इस क्रीम को जेंटली अपने फेस में अप्लाई करने के बाद आप सो जाइए। आप दिन में भी इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो अपने सनस्क्रीन को अप्लाई करने से पहले। इनफैक्ट आप इस क्रीम को मेकअप अप्लाई करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। ये इतना अच्छा क्रीम है कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इसको अप्लाई करते हो ना, जिनकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये आपकी स्वेटिंग को इंक्रीज नहीं करता। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा फेस वॉश या फेस क्रीम यूज करते हो और फेस्टिवल टाइम में अपने स्किन का केयर कैसे रखते हो। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये 5 मिनट वाला एवरीडे स्किन केयर रूटीन, स्पेशली फेस्टिवल के लिए 3 स्टेप वाला स्किन केयर रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक और एक शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है अभी तक। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस।